नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त मौजूद है मॉडल टाउन विधानसभा में। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह जी की यहां पर रैली हुई है और हमारे साथ मौजूद है कपिल मिश्रा जी। इनका परिचय क्या दे आपको, पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। कपिल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। बड़े चर्चा में रहे हैं आप, हाई प्रोफाइल सीट बना दी आपने, इस चुनाव को आपका प्रतिबंध भी लगाना पड़ा इलेक्शन कमीशन को, तो क्या वाकई में ये चुनाव भारत पाकिस्तान का है या फिर करावल नगर की जनता और बाकी का? मॉडल टाउन, मॉडल टाउन, माफ करिएगा, मॉडल टाउन। आज पाकिस्तान के मंत्री ने क्या बयान दिया है जी, आप बताइए क्या बयान दिया है? हाँ, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में मोदी को हराना चाहिए और दिल्ली की जनता से अपील की है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करें। तो मैंने क्या कहा था, मेरी बात तो पाकिस्तान का मंत्री साबित कर रहा है। कल तक अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान की जुबान बोलते थे, आज पाकिस्तान अरविंद केजरीवाल की जुबान बोल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सवाल ही आप मुझसे पूछें उससे पहले आप ये देखें कि चारों तरफ दिल्ली में किया क्या जा रहा है, और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी बात कही थी। अच्छा, तो आपको मतलब उसका कोई पछतावा नहीं, रिग्रेट नहीं? पाकिस्तान के मंत्री के बयान के बाद भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को इस पे हंसी आ रही है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, हम आते हैं मुद्दे पे। असल क्या मॉडल टाउन के क्या मुद्दे हैं जिनको, अगर विधायक तो आप बन रहे हैं, जो जनता कह रही है, हमने जनता से पूछा, यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं विधायक बनते हैं तो क्या मुद्दे होंगे जो प्राइमरी आपको? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो पीने का पानी का है, उसके बाद ट्रैफिक का है, सीवर की टूटी लाइनों का है, टूटी हुई चारों तरफ खुदी और टूटी पड़ी सड़कों का है, पार्किंग की समस्या क्या है, ट्रैफिक की समस्या क्या है, नजफगढ़ के नाले का मुद्दा है, यहाँ पे खेलने की कोई ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है, स्पोर्ट्स के ग्राउंड नहीं है, उसका मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मॉडल टाउन विधानसभा में ना हो, और मॉडल टाउन विधानसभा, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग भी रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी के क्लस्टर भी हैं और पॉश कॉलोनी भी है, उसके बावजूद भी अगर आप पीने का पानी तक मुख्यमंत्री के निवास से 2 किलोमीटर दूर नहीं मिलता है तो ये शर्मनाक बात है। अच्छा, मॉडल टाउन के अगर हम इतिहास में जाए तो देखें तो 1977 में यहाँ पहला चुनाव हुआ, जनता पार्टी ने जीता, उसके बाद लगातार 4 बार जीता, फिर कांग्रेस ने जीता, और उसके बाद अब लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी है, बीच में बीजेपी कहीं गायब हो गई थी, तो उसको फिर से आप इसको गढ़ बना पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, गायब कहीं नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत 2-2, 4 हज़ार, 1-2 हज़ार वोटों से ऊपर नीचे कुछ रिजल्ट आता था पिछली बार 16,000। मॉडल टाउन विधानसभा का ये रिकॉर्ड है कि जब जब भाजपा की सरकार बनती है मॉडल टाउन विधानसभा से बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, इसलिए इस बार भी बीजेपी का प्रत्याशी मॉडल टाउन विधानसभा से जीतेगा। अच्छा, एक सवाल है, विपक्ष शाहीनबाग मॉडल टाउन में नहीं है, लेकिन आपके निशाने पर क्यों है वो? नहीं, शाहीनबाग तो हर तरफ है, ये तो पूरे देश में शाहीन, पहले मैं शाहीनबाग दिल्ली में ही क्यों है, मॉडल टाउन में है या नहीं, इसकी बात तो बाद में करेंगे। दिल्ली में क्यों है शाहीनबाग? अगर तुमने अस्पताल बनाया होता, अगर तुमने कॉलेज बनाए होते, अगर तुमने स्कूल बनाए होते, अगर तुमने सड़क बनाई होती, अगर तुमने फ्लाईओवर बनाए होते, तो तुम्हें चुनाव से 3 महीने पहले शाहीनबाग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात। मंत्री भी रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं रिवाइंड करना चाहूँगा देश की जनता तक, मतलब दिल्ली की जनता फिर जाने, क्या वजह रही कि आपको आम आदमी पार्टी, जिस आम आदमी पार्टी आंदोलन से जुड़े आप उसके फाउंडर मेंबर रहे, क्यों छोड़ना पड़ा आपको? नहीं, सबको पता है भ्रष्टाचार का मुद्दा था और बहुत सारे भ्रष्टाचारों का मुद्दा था, उन सबको मैंने हाईलाइट किया है। उसमें केजरीवाल के साडू का बेटा तिहाड़ जेल भी होके आ चुका है, सतेंद्र जैन चार्जशीटेड है, मनीष सिसोदिया चार्जशीटेड है, हवाला और शैल कंपनियों के मामले चल रहे हैं। मेरे को लगता है पूरा देश ने वो पूरा संघर्ष देखा है और उसका परिणाम भी देश देख रहा है। कपिल जी, एक सवाल आपसे कि अंत में, कि बहुत बीजेपी के दो नेताओं पर और चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है इस मामले को लेकर, क्या लगता है आपको कि इस मतलब चुनाव में जो है, जामिया में कल एक हिंसा की घटना भी हुई, तो ये कौन इस तरह का माहौल बना रहा है? कह जा रहा है कि अनुराग जी ने कहा था इसीलिए उस बच्चे ने गोली चलाई। मैंने या अनुराग जी ने क्या कहा था, क्या कहा था? हमने कहा था देश के गद्दारों को, अब ये खुद ही कह रहे हैं हमें कहा था गद्दार खुद आ गए, खुद को खुद ही गद्दार बता रहे हो क्या, अपने को खुद ही गद्दार बता रहे हो क्या? मेरे को लगता है उनसे ये पूछो, हम जब गद्दार कहते हैं तो तुम्हें दर्द क्यों होता है, हम जब आतंकवादी के बारे में गलत कहते हैं तो तुम्हें दर्द क्यों होता है, हम जब कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग को हराओ तो केजरीवाल ये क्यों कहता है कि ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें अपनी सच्चाई पता है। चलिए, अंतिम सवाल मिश्रा जी, अगर बीजेपी जैसे कह रहे हैं आपकी सरकार बन जाती, सत्ता में आ जाती, केजरीवाल जी भी ये सवाल पूछ रहे हैं और केजरीवाल जी के सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल वर्सेस हु? देखिए, कल केजरीवाल जी का इंटरव्यू आया था कि उन्हें डायबिटीज है, तो दिल्ली की जनता 8 तारीख को उन्हें पूरा आराम करने के लिए समय देगी, 5-7 साल आराम करने के लिए देंगे हम। तो नहीं, केजरीवाल वर्सेस हु ये पूछा? नहीं, केजरीवाल वर्सेस दिल्ली की जनता, केजरीवाल वर्सेस आम आदमी, केजरीवाल वर्सेस दिल्ली की महिलाएं,
केजरीवाल वर्सेस दिल्ली के भाई, केजरीवाल वर्सेस दिल्ली के युवा, केजरीवाल वर्सेस दिल्ली का हर वो बंदा जो अपने देश और दिल्ली से प्यार करता है। केजरीवाल वर्सेस कपिल मिश्रा तो नहीं, केजरीवाल जी को ना एक अहंकार हो गया कि वो कुछ बहुत बड़ी चीज है। जब आदमी कहता है ना कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा भाजपा ने, खुद को खुद ही बड़ा मान लिया और सामने वाले को छोटा मान लिया, यही अहंकार शीला दीक्षित को था, लेकिन उन्हें 15 साल में आया था, केजरीवाल को 5 साल में आ गया ये अहंकार। अच्छा, एक और सवाल कि राहुल जी कहीं चुनाव में दिख नहीं रहे दिल्ली के, बैंकॉक में जाके ढूंढो। बैंकॉक में क्यों नहीं आ रहे, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, दिल्ली में तो कांग्रेस ही नहीं दिख रही, राहुल गांधी कहां से दिखेंगे। चलिए कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कपिल मिश्रा जी, बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब रखा जो भी सवाल हमने पूछे, कि पाकिस्तान वाला चाहे मुद्दा हो जो जिस पर उन पर बैन भी लगा और बाकी मुद्दे, उन्होंने कहा कि वो जीत रहे हैं और बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। इंतजार हमें 11 तारीख का करना होगा, नतीजे जिस दिन आएंगे, क्या बीजेपी एक जो अप्रत्याशित नतीजे उस दिन आते हैं या फिर केजरीवाल सत्ता में वापसी करते हैं। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।